मैं प्रदीप कुमार यादव आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर स्मार्ट स्टडी पे स्वागत करता हूँ। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कल्टीवेशन ऑफ कलीफ्लावर के बारे में, यानी फूल गोभी की खेती के बारे में। ठीक है, चलिए डिस्कस करते हैं विस्तार से। सबसे पहला है इसका बोटैनिकल नेम। इसका बोटैनिकल नेम क्या होता है? इसका बोटैनिकल नेम है ओलेरेसिया, ब्रेस्का ओलेरेसिया। ठीक है, वेराइटी बोट्राइटिस। ठीक है, ओरिजिन है यानी कि जन्म स्थान इसका मेडिटेरियन रीजन है जन्म स्थान। एडिबल पोर्शन इसका कर्ड होता है, कर्ड। ठीक है, यानी खाने योग्य भाग जो है इसका कर्ड रहता है, ये वाला भाग, ये जो पोर्शन है ये है कर्ड। ठीक है, इसमें क्रोमोसोम नंबर यानी गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? इसमें 18 होती है गुणसूत्र की संख्या। इसकी जो फैमिली है यानी कि इसका कुल जो है ब्रिस्केसी है या क्रूसीफेरी, जैसे मस्टर्ड है, पत्ता गोभी, ये सब ब्रिस्केसी में आते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं मृदा की। इसके लिए कैसी मृदा आवश्यकता होती है? इसके लिए बलुई दोमट मृदा की आवश्यकता होती है, जिस जो कि अच्छे जल निकास वाली होनी चाहिए। और पीएच होता है 6.5 से 7.5 तक पीएच इसकी आवश्यकता होती है। ठीक है, अब बात करते हैं क्लाइमेट की। क्लाइमेट इसके लिए कैसी आवश्यकता होती है? इसके लिए जो है एक कूल क्लाइमेट का पौधा है। ठीक है, किस क्लाइमेट का पौधा है? कूल क्लाइमेट। और इसका जो टेम्परेचर है 17 से 20 डिग्री टेम्परेचर इसके लिए चाहिए होता है। इसकी जो वेराइटियाँ हैं यानी कि प्रजातियाँ कौन कौन सी हैं, इसकी प्रजातियाँ हैं पूसा केतकी है, पूसा हिमज्योति है, पूसा स्नोबॉल K1 है, पूसा मेघना है, हिसार वन है, पूसा दीपाली है, पंत सुब्रा है, आर्का क्रांति। ये जो मुख्य वेराइटियाँ इसमें ऐड की गई हैं, आप सभी लोग इन सबको ध्यान से याद रखें। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें हॉर्टिकल्चर प्रैक्टिस जो इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस हैं। इसमें सबसे पहला है ब्लांचिंग। इसमें ब्लांचिंग यानी कि जो कर्ड होता है, जो हाई टेम्परेचर जो हो जाता है यानी कि टेम्परेचर बढ़ जाता है, उसके कारण जो इसका कर्ड है ये वाला, ये येलो हो जाता है। इसको वाइट रखने के लिए, येलो ना हो पाए इसके लिए, इसकी जो लीप्स हैं, लीप से ऊपर के ऊपरी भाग को यानी कि कर्ड को ढक देते हैं, इसी को क्या बोलते हैं? ब्लांचिंग। ठीक है, अब बात करते हैं प्रोपागेशन मेथड। प्रोपागेशन मेथड बाई सीड के द्वारा करते हैं प्रोपागेशन मेथड यानी कि बीज के। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं स्पेसिंग, सीड रेट और प्लांटिंग सीजन की। इसमें जो सीड रेट है 400 से 500 ग्राम प्रति हेक्टेयर सीड की आवश्यकता होती है यानी नर्सरी तैयार करने के लिए। इसमें जो स्पेसिंग है 60 से 45 सेंटीमीटर है और एक 45x45 सेंटीमीटर है। ये दो साल में दो बार किया जाता है, खरीफ और रबी की सीजन में। इसकी फसल जो है दो बार उगाई जाती है, खरीफ और रबी के सीजन में। अब बात करते हैं फर्टिलाइज़र डोज की, यानी फर्टिलाइज़र रिकमेंडेशन कितना है। सबसे पहले 15 टन प्रति हेक्टेयर की FIM यानी गोबर की सड़ी हुई खाद की आवश्यकता होती है। और दूसरा है NPK प्रति हेक्टेयर कितनी आवश्यकता होगी। सबसे पहले 100 kg नाइट्रोजन की आवश्यकता होगी, 50 kg फॉस्फोरस की आवश्यकता होगी, 50 kg पोटेशियम की प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब बात करते हैं मैच्योरिटी टाइम की। इसमें मैच्योरिटी टाइम क्या होता है? जब कर्ड थोड़ा कम्पैक्ट हो जाएगा, ठीक है, इसमें जो है अपने हिसाब से जो होता है, थोड़ा कर्ड है थोड़ा बड़ा भी साइज भी कर सकते हैं, छोटा साइज भी। इसके लिए आप जिस समय मैच्योर हो जाए उस समय तोड़ सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग क्या है? कट हम शार्प नाइफ यानी कि तेज धार वाले नाइफ से इसको कर्ड को काट लेते हैं और 2 से 3 पत्तियाँ इसमें लगी रहती है नीचे से, जिससे क्या होता है जब मार्केटिंग के लिए जाया जाता है तो उससे कार्ड को सुरक्षित रखा जा सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं ईल्ड की। इसमें ईल्ड कितनी होती है? 12 से 20 टन प्रति हेक्टेयर की ईल्ड होती है। ठीक है, इसका उत्पादन 18 से 20 टन प्रति हेक्टेयर होता है। ठीक है, अब बात करते हैं पेस्ट। इसमें पेस्ट कौन कौन से लगते हैं? सबसे पहला है डायमंड बैक मॉथ, कैबेज बटरफ्लाई और मस्टर्ड सफ्लाई, ये 3 मुख्य पेस्ट हैं इस फसल के। अब बात करते हैं डिजीज। इसमें रोग कौन कौन से लगते हैं? इसमें डैम्पिंग आप, क्लब रूट, ब्लैक रूट। जो डैम्पिंग आप जो है सीडलिंग डिजीज, जब नर्सरी तैयार करते हैं उस समय जो डैम्पिंग आप लगता है। ठीक है, आज के साथ बस इतना ही। आप हमारे अगर हमारा लेक्चर पसंद आया हो तो आप लोग मेरा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू।